देश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चल रही है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो मैं समझती हूँ पूरे दिग्गज हैं पूरे विश्व के, उनको अपनी मांगों को लेकर जो है जंतर मंतर पर लगातार धरना देना पड़ रहा है। जहां तो जिस समय वो लोग ओलंपिक मेडल, एशियन मेडल, कॉमनवेल्थ में जब मेडल लेकर आते हैं, भारत देश के तिरंगे को लहराने का काम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं इस समय खेल मंत्री हैं, वे कहते हैं हमारे बेटे बेटियां ये मेडल लेकर आए हैं और बड़ा गौरव महसूस करते हैं। लेकिन आज एक ऐसे मामले को लेकर कि उनके जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं बृजमोहन, उनके खिलाफ अगर वो यौन शोषण के मामले की शिकायत करते हैं तो कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। हमें तो इस बात की चिंता है, अगर देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों और पहलवानों के साथ, बहन बेटियों के साथ ये हालात हो रहे हैं, आम जनमानस की, गरीब की, मजदूर की कौन सुनवाई करेगा। इस समय सारी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं, सभी ने शिकायत करते हुए लगातार हमारे हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, कोरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से बात नहीं बनेगी। सभी को जाकर इस समय सभी राजनीतिक दल जो हैं, सामाजिक दल हैं, संगठन हैं, खाप पंचायतें हैं, इवन मीडिया भी है, उनके समर्थन में आया है। और बड़ी ही अजीब सी बात है कि बच्चियां कंप्लेन कर रही हैं, मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात की तो 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उस पर तो चर्चा कर रहे हैं, उनकी बच्चियों की मन की बात नहीं सुन रहे हैं। और ऊपर से कल रात जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमने देखा है कुछ पहलवानों के जो है वो चोट भी आई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं। ऐसे में इनका हौसला कहां जाएगा? तो हम समझते हैं इस समय तुरंत प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनो, हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, पर अगर जस्टिस डिले होता है, देरी से होता है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इस समय फर्ज ये बनता है कि हमारे हरियाणा प्रदेश को, और ये तो बीजेपी की आरएसएस की चाल होती है, हमेशा हर चीज को धर्म, जाति और बिरादरी के नाम पर बांटने का काम करते हैं। और ये बड़ी गलत सी स्थिति नजर आती है जब वो ये कह रहे कि ये सारे के सारे जाट हैं और एक ही प्रदेश के हैं, और उस समय तो आप कहते हैं कि हमारा छोटा सा हरियाणा प्रदेश और देश में सबसे ज्यादा मेडल लेकर आता है, उस समय तो आप बड़े बात करते हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में जब हम लोग पदक लाओ पद पाओ की नीति थी, सभी को चाहे डीएसपी इंस्पेक्टर की भर्ती करने का काम किया, मान सम्मान की राशि उनको देने का काम किया, और आज यही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बजरंग पुनिया है, चाहे साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, सभी लोग हैं और सभी समर्थ और भी जो खिलाड़ी हैं उनके समर्थन में जा रहे हैं। और ये पता चला है कि जो खिलाड़ी उनके समर्थन में जा रहे हैं, जो धरना कर रहे हैं, सरकार की ओर से उनको धमकाया जा रहा है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र के लिए मैं समझती हूँ ये शुभ संकेत नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो ये स्थिति इस समय पैदा हुई है, ये चिंता का विषय है। और हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास इस समय खेल मंत्रालय है, उनको तो जाकर बहन बेटियों के बीच में उनके सर पर हाथ रखकर पूछना चाहिए और कहना चाहिए कि आपका प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री, मैं आपके साथ हूँ। उल्टा वही एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन जो है वो दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा चला रहे हैं, वो खुद तो जा नहीं रहे हैं और जो उनके समर्थन में जा रहे हैं उस पर इस तरह के बयानबाजी करना, ये बहुत ही मैं समझती हूँ कोई अच्छा संकेत नहीं है। हम लोग सभी साथी मिलकर आज हम लोग भी जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है उन खिलाड़ियों के समर्थन में जा रहे हैं। और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कल रात जब उनके समर्थन में गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये इस समय देश में लोकतंत्र सही ढंग से नहीं चल रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, कानून व्यवस्था पर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है कि पहलवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम न्याय की मांग करते हैं, वो कोई रोजगार नहीं मांग रहे हैं, वो जो उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है जिसकी वो कंप्लेंट कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे अध्यक्ष से उनको छुटकारा दिलाया जाए। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।